इसी तरह हम देखते हैं कि औरतों पर सख्ती करते हैं कि वो गैर महरम मर्दों को ना देखें, बगैर शहवत की निगाह से समझ में आता है, लेकिन शहवत की निगाह से हराम मर्दों को देखना औरत को, लेकिन आम हालात में गैर महरम मर्दों को देखना औरत को गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ लोग उसको गुनाह समझते, बिचारियों को नीचे देख के चलवाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि औरतों को मस्जिद में दाखिले को हमने खामोखा ममनू कर दिया, जबकि उनके लिए जायज़ था और ये आसानी वाली चीज़ है। इसी तरह हम बहुत सारे हुकूक देखते हैं औरतों के जो मर्दों ने मार दिए, इसी वजह से कि हम हुकूक देंगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगी, सर पे चढ़ के हमसे और काम लेंगी, तो लिहाजा हुकूक पूरे छुपा दो इनके, वो गलत है। इसी तरह हम देखते हैं कि घर में जो है बीवी बच्चों पर इतनी सख्ती बरती जाती है दीनदारी के नाम पे कि बच्चे बचपन से दीन से इनहराफ करने लग जाते हैं। इसी तरह जो किसी गुनाहगार को देखकर इतने बुरी नजरों से देखा जाता है कि इतना बड़ा फासिक फाजिर हो गया कि भाई गुनाह कर रहे तो पूरा ही दीन छोड़ दो फिर। अरे एक गुनाह करा तो ठीक है ना, दूसरी नेकी तो करा नहीं, गुनाह करे तो नमाज छोड़ दो, गुनाह करे तो रोजा छोड़ दो, इतना कि वो बुरा कर देते हैं। इसी तरह तहारत के मामले में इतने सारे हमने सख्तियां इख्तियार कर ली अपने ऊपर वसवसों की वजह से या जो भी वजह से कि तहारत करना भी मुश्किल हो गया कुछ लोगों के लिए। दीन आसान है, जो उसकी हुदूद है उसके अंदर उस पर अमल कीजिए। इसी तरह बस आखिर अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।